हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 12 वेक्टर का क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी एग्जांपल 28। एनसीईआरटी का एग्जांपल 28 है, लेट ए बी सी थ्री वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 और मैग्नीट्यूड सी 5। मेन बात क्या है, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। हर वेक्टर अदर टू के सम के परपेंडिकुलर है। मतलब इसको आप यू समझोगे कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें ये फाइंड करना है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, अब सॉल्यूशन करते हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये हमें अब गिवन हो गया। इसको हम एक स्टेप और कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके बिना ही बताऊंगा आसान तरीके से एकदम। हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और हमें एक बात पता है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए डॉट ए, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस। अब देखो आपको मैं यहां पे एक बार बता रहा हूं, जब ए को हम इन दोनों से करेंगे तो ए डॉट बी प्लस सी ऐसे लिखेंगे, और प्लस जब बी को ए और सी से करेंगे तो बी डॉट सी प्लस ए, एंड जब सी को करेंगे ए प्लस बी से तो ये आएगा। अब ऊपर हम बता चुके हैं पहले से ही कि ये और ये जीरो हो गया, तो बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आसान क्वेश्चन था, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है क्वेश्चन में 3, 4, 5, तीनों के रेस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, और ये जीरो हो ही गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 25, 16 और 9, 50 का स्क्वायर रूट यानी 5√2, ये हमारा आंसर होगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी वेक्टर्स की, जहाँ पे वेक्टर्स के आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।